आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। ऊपरी असम के तिनसुकिया में अवस्थित श्री श्री शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम में दुर्गोत्सव पर नवमी की पूजा धूमधाम से आयोजित की गई। आपको बता दें कि नवरात्रा की नवमी पूजन के समागम में भारी तादाद में बाबा कालिदास के भक्त तिनसुकिया धाम में नजर आए। मां दुर्गा की नवमी पूजा बाबा के सानिध्य में करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और तिनसुकिया के विधायक संजय किसान के साथ अन्य कई राज्यों के नेता भी बाबा के धाम में उपस्थित हुए। मां भवानी की पूजा के अलावा कालिदास बाबा के नवरात्रा के नवमी के नौ कन्याओं का पूजन भी किया गया। इन नौ कन्याओं को वाकायदा देवी की तरह पूजा गया। नवमी की इस पूजा के अवसर पर कालिदास बाबा के धाम में अंबे मां के भक्तों की तादाद गिनती से परी थी। राजनीतिक जगत के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति ने समागम में अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा बल भी नियुक्त किए गए। स्थानीय और निकटवर्ती अंचल के सरदारों की शिरकत ने बाबा के धाम नव दुर्गा का मेला बना दिया गया था। नवमी का यह भव्य आयोजन कालिदास बाबा के मुखरबिंद से उच्चरित पावन श्लोकों की गूंज से दिव्यमान प्रतीत हो रहा था। आपको बता दें कि कलयुग के अवतार के रूप में मान्य बाबा कालिदास दशकों से अन्न त्याग कर केवल नारियल पानी पी कर रह रहे हैं। मालूम हो कि बाबा अपने आश्रमों में गौ माता की सेवा की व्यवस्था कर जन जन को गाय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा कालिदास के अनुयायी वाणिज्य जगत और राजनीतिक जगत के गणमान्य लोग देश विदेश में फैले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।